मैं सोनम कौशिक स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इट्स सोनम्स क्रिएशंस में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक जो मार्केट में जो कपड़े वाली थैली आती है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। उसकी मैंने जो लंबाई ली है वो मैंने 21 इंचेस के करीब ली है और जो इसकी चौड़ाई है ये मैंने लंबाई जो है वो 21 इंच के करीब ली है और जो ये जो बैग है इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 16 इंचेस के करीब ले रही हूँ। तो ये मैंने मेज़रमेंट ले लिया है और ये मेज़रमेंट लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है। ये गोल्डन कलर का कॉटन का फैब्रिक है। आप चाहे तो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसका आप यूज़ करें। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ये जो बैग है कपड़े वाला वो मैंने रखा है और सेम साइज़ में 1.5 इंचेस के करीब एक्स्ट्रा लिया है और मैंने इसको कट कर लिया है। दोस्तों ये जो फैब्रिक मैंने कट किया है ये मैं 2 पीसेस में कट कर रही हूँ। सेम साइज़ के मैं 2 पीस यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो ये 2 पीस कट करने के बाद अब मैंने जो इसके चारों तरफ मैं 5 इंचेस के करीब मार्क करूँगी। ये जो 5 इंचेस के करीब मैं मार्क कर रही हूँ ये मुझे इसके चारों, ये जो फैब्रिक है इसके चारों साइड मैं कर रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा ये आपको चारों साइड करने हैं क्योंकि हम इसी जो ये हम निशान लगा रहे हैं ये निशान हमें आगे काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये निशान मैंने चारों साइड लगा लिया है 5 इंचेस के करीब। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैंने यहाँ पर डोरी का यूज़ किया है। आपके पास अगर डोरी अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पर कपड़े की डोरी, जैसे जो भी फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हो उसकी डोरी बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर चार डोरी बनाई है। और अब आपको क्या करना है, जो ये मार्क हमने लगाया है हमें उसके अंदर इस डोरी को रखना है और हमें चारों तरफ ये डोरी रखनी है और इसको हमें स्टिच कर देना है। फ्रेंड्स ये हमें स्टिच करना है कुछ इस तरीके से, डोरी को अंदर की तरफ रखना है और बाहर से हमें स्टिच कर देना है। हमें इसको 3 तरफ से स्टिच कर लेना है और हमें इसका एक जो पार्ट है वो हमें ओपन रखना है। एक जैसे हम बैग सिलते हैं उस तरीके से हमें सिलना है। 3 साइड्स हमें इसका स्टिच कर देना है। एक साइड हमें इसका ओपन रखना है और स्टिच करते टाइम जो हमने 5 इंचेस के करीब मार्क किया था उन्हीं मार्क्स पर हमें ये जो डोरी मैंने बनाई है वो हमें डोरी लगानी है। आप कपड़े की जब बनाएं आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर जो कपड़े का बैग था उसका हम यूज़ कर रहे हैं। हमने बस सिंपली 3 साइड से स्टिच करा, जो ओपन वाला साइड था उसमें इस बैग को डाल दिया है और डालकर अब हमें इसको भी सेम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। तो इसको भी मैं सिलाई से बंद कर दूंगी। ये मैंने बंद कर दिया है। अब फ्रेंड्स इसको बंद करने के बाद जो कपड़े की जो थैली बची हुई है एक्स्ट्रा वो मैंने ली है। उसके ऊपर फिर मैंने एक फैब्रिक लिया है। ये मैंने 6 इंचेस के करीब फैब्रिक लिया है चौड़ाई में और जो लंबाई है वो जो हमारे नीचे जो मेन फैब्रिक है उसके उसकी जितनी लंबाई ली और चौड़ाई मैंने 6 से 7 इंचेस के करीब ली है। और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने एक अलग इससे मिक्स मैच करती हुई एक फैब्रिक लेकर इसके ऊपर मैंने पाइपिंग लगा दी है। और दोनों साइड के लिए मैंने सेम ऐसे एक 2 फैब्रिक रेडी कर लिए हैं और इन पे थोड़ा सा पाइपिंग लगाकर थोड़ा लुक अच्छा आ जाए कुछ इस टाइप से मैंने किया है। और इसके बाद मैंने बस इसको स्टिच कर दिया है सब तरफ से और ओपन की साइड मैंने ओपन रखा है। और इसके बाद जो हमने नीचे सिलाई लगाई है वो सिलाई दिखे नहीं, दिखने की वजह से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नीचे भी सेम कलर की पाइपिंग लगा दी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अब ये जो हमारी मशीन है ये बेसिकली एक मशीन का कवर मैं आप लोगों को बना के दिखा रही थी जो सिंपल, बहुत ही सिंपल था जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये जो एक स्टैंडर्ड साइज़ की मशीन होती है उसका कवर आप इस तरीके से बहुत आसानी से सील सकते हो। ये साइड में डोरी थी जिसको हम इजीली बांध देंगे जिससे हमारा कवर
जो है वो सरकेगा नहीं और ईजली जैसे हमने मशीन होगी उसके ऊपर हम आसानी से रख सकते हैं। ये जो पॉकेट्स बनी थी इसमें आप अपने जो भी मशीन के सामान हैं आप उसमें रख सकते हो ताकि जब भी आप कुछ भी बनाने लगें तो आपके सामान इधर उधर ना हो। तो ये बेसिकली पॉकेट बन गई है जिसका यूज़ हम मशीन के जो भी छोटे मोटे सामान है उसके लिए कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रेंड्स ये जो हमने सीधी पॉकेट्स बनाई इसमें हम लाइन लगा के मतलब स्टिच कर देंगे बीच में, तो इसी एक पॉकेट का आप 3 या 4 पॉकेट्स भी बना सकते हो जिसमें आप हुक्स सीजर्स या मशीन की जो भी छोटे मोटे जो भी सामान होते हैं आप उसमें बहुत आराम से रख सकते हो। इससे हमारे सामान इधर उधर नहीं होंगे और हमें इजली मिल भी जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।